Hello friends, how are you? Hope you all are well. Let's start the subject Maths of Standard 6th. In that exercise 9.3, page number 198. Dear students, see here we have to given the one bar graph. The bar graph given alongside shows the amounts wheat purchased by government during the year 1998 to 2002. Read the bar graph and write down your observation. Okay, dear students, here we have to given the bar graph and we have to read it. Okay, hame yahan pe graph ko read karna sikhna hai. To dear students, yahan pe dekho, ek side hame diya hai wheat in thousands ton. Okay, number diya 0, 5, 10 whatever, and dusri side hame diya hai year. Okay, 1998, 1999, 2000 and so on. To iske base pe ओके हमें जो क्वेश्चन पूछे उसके आंसर देने हैं. बहुत ही इजी है डियर स्टूडेंट्स. फर्स्ट क्वेश्चन है द वीट प्रोडक्शन मैक्सिमम कौन से ईयर में सबसे ज्यादा वीट प्रोडक्ट हुआ है. तो डियर स्टूडेंट्स ग्राफ में देखो आपको कौन सा ग्राफ सबसे बड़ा लग रहा है 2002 में. ओके यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 30 तक ग्राफ जा रहा है. दैट मीन्स 2002 में अराउंड 30,000 टन है वीट प्रोडक्ट्स हो रहा है मैक्सिमम. दैट मीन सबसे ज़्यादा हो रहा है वीट. सेकंड बी क्वेश्चन द वीट प्रोडक्शन मिनिमम सबसे कम कभी है. ग्राफ देखो सबसे कम आप देख पा रहे हो 1998 में है. ओके अराउंड 15,000 टन. ओके ब्रैकेट में लिखा है वीट वहाँ पे ब्रैकेट में है इन 1,000 टन. ओके तो इस तरीके से हमें यह रीड करना है. ओके तो बहुत ईजी है. Now let's see for the question number second. Next second question. Observe this bar graph which is showing the scale of the shirt in a ready-made shop from Monday to Saturday. Dear students, textbook में देखो page number 199 पे second questions. यहाँ पे हमें graph में एक side days दिए Monday, Tuesday, Wednesday, so on, and दूसरी side number of shirts sold. ओके कि शर्ट कितने सोल्ड हो रहे हैं. ओके वो हमें दिए हैं एंड यूनिट भी दिया है. वन यूनिट लेंथ इक्वल्स टू 5 शर्ट. दैट मींस वन यूनिट का मतलब है वहाँ पे 5 शर्ट. ओके तो डियर स्टूडेंट्स ये इस तरह से हमें ग्राफ को रीड करना है. देन आफ्टर वी हैव टू गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस. फर्स्ट वन What information does the above bar graph give? ये bar graph हमें किसके बारे में information देता है? Sale of shirt. Okay? कि Monday से लेकर Saturday तक जो shirt का selling हो रहा है उसके बारे में हमें information दे रहा है. What is the scale chosen on the horizontal line representing number of shirt? Scale क्या लिया है यहाँ पे? One unit equals to 5 shirt. See, on which day were the maximum number of shirt sold? कौन से दिन सबसे ज़्यादा sold हो रहा है? तो graph को देखो सबसे बड़ा लंबा ग्राफ कौन सा है. दैट इज ऑन सैटरडे. दैट मीन्स वी कैन से दैट ऑन सैटरडे दैट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड. सेकंड क्वेश्चन उसी में हाउ मेनी शर्ट्स वर सोल्ड ऑन दैट डे. कितने बिक रहे हैं कितना सेलिंग हो रहा है उस दिन शर्ट का. तो आपको स्केल से जो ऊपर लाइन है उसको स्ट्रेट रखना है कि कहाँ तक आ रहा है वो नंबर 60, 65 कहाँ तक. तो आप देखोगे तो 60 तक आ रहा है. दैट मीन्स 60 शर्ट से वो सेल हो रहे हैं यहाँ पे उस दिन. डी ऑन विच डे वर द मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड. सबसे कम शर्ट कौन से दिन सेलिंग हो रहे हैं. तो आप देखो ग्राफ को देखोगे तो आप देख पाओगे कि ट्यूसडे को सबसे कम हो रहे हैं. वो सबसे छोटा ग्राफ है. ओके नेक्स्ट ई हाउ मेनी शर्ट्स वर सोल्ड ऑन थर्सडे. थर्सडे में कितना हो रहा है. दैट इज 35. आप स्केल रखोगे तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि वो 35 आ रहा है. ओके सो थर्ड. तो इस तरह से हमें ग्राफ को रीड करके क्वेश्चन के आंसर देने हैं. थर्ड क्वेश्चन सेम ही है आपको प्रैक्टिस में करना है. नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.4. इन दैट फर्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 202 अ सर्वे ऑफ 120 स्कूल स्टूडेंट्स वर डन टू फाइंड विच एक्टिविटी दे प्रीफर टू डू इन देयर फ्री टाइम. ओके यहाँ पे हमें 120 स्टूडेंट्स की एक्टिविटी दी है कि वो फ्री टाइम में क्या करते हैं. तो प्रीफर्ड एक्टिविटी एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग 45 स्टूडेंट्स रीडिंग स्टोरी बुक्स 30 स्टूडेंट्स वॉचिंग टीवी 20 एंड सो ऑन.
उसके बाद क्या लिखा है नीचे, ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट द अबव डेटा टेकिंग अ स्केल ऑफ वन यूनिट लेंथ इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ पे हमें वन यूनिट लेंथ में 5 स्टूडेंट्स लेने, दैट मीन्स डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो जो वर्टिकल लाइन पे हमने नंबर लिया है वो 5-5 के डिफरेंस में लिया है, 0, 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें बोला है वन यूनिट लेंथ इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स, इसलिए। अगर नहीं बोला है कुछ भी स्केल लेने का तो आप चाहो उतना गैप ले सकते हो, 5 का, 10 का, 2 का, लेकिन इस तरह से हमें ये गैप लेना है कि हमारा ग्राफ बहुत ही बड़ा ना हो जाए और बहुत ही छोटा भी ना हो जाए। ओके, ये थिंग्स हमें याद रखनी है। एंड उसके बाद क्वेश्चंस पूछा है उसका हमें आंसर देना है। ओके, तो इसको किस तरह से ग्राफ बनाएंगे, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो दो लाइन, एक हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन लिए। ओके, तो एक साइड आप देख सकते हो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लिखा है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वहाँ पे लास्ट में एक्स लिखा है, यहाँ पे वाई। तो दोनों साइड डियर स्टूडेंट्स हमें ये प्रीफर्ड एक्टिविटी एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेने हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम वाई एक्सिस पे लेंगे वर्टिकल लाइन पे। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा है 0, 5, 10, 15। ये क्यों याद रखना डियर स्टूडेंट, स्टार्ट जीरो से ही करना है ऑलवेज। अब क्वेश्चन में देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम कितने हैं, 45, और हमें यहाँ पे स्केल भी बोला है कि वन यूनिट इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स लेना है, तो 5-5 का गैप हमें 45 तक लिखना है। मैंने 50 तक लिखा है, आप 45 तक लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि मैक्सिमम 45 है। तो यहाँ पे 0, 5, 10 सब नंबर लिखने हैं। ओके, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक्टिविटी है, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लिखा है प्लेइंग, रीडिंग, स्टोरी बुक, वॉचिंग, लिसनिंग, जो हमें यहाँ पे दिया है। अब ये गैप भी डियर स्टूडेंट सेम होना चाहिए, प्लेइंग से रीडिंग स्टोरी बुक है वो, स्टोरी बुक से वॉचिंग टीवी, इन सब के बीच का गैप जितना पॉसिबल है उतना सेम होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे लिखना भी है ये क्या है, प्लेइंग, रीडिंग, स्टोरी बुक। तो क्वेश्चन में देखो एक्टिविटी है, प्रीफर्ड एक्टिविटी, तो यहाँ पे लिखना है हमें। एंड सेकंड साइड, दूसरी साइड वर्टिकल पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ऊपर वन यूनिट लेंथ इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स, वो हमें स्केल भी लिखना है। देन आफ्टर देखो प्लेइंग में कितने हैं, 45 स्टूडेंट्स, तो प्लेइंग का हमें लाइन ऊपर तक का 45 तक ले जाना है। रीडिंग स्टोरी बुक 30, तो वो हमें 30 तक ले जाना है। वॉचिंग टीवी 20, तो वो 20 तक ले जाना है। इस तरह से बनाना है, बहुत ईजी है डियर स्टूडेंट्स, जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको हमें ग्राफ में इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। ओके, ग्राफ लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसी तरह बुक में आपको ड्रॉ करना है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा है विच एक्टिविटी इज प्रीफर्ड बाय द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अदर देन प्लेइंग, कौन सी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स है वो प्रीफर्ड कर रहे हैं अदर देन प्लेइंग, प्लेइंग के अलावा। तो सबसे ज़्यादा प्लेइंग है, उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सी है, रीडिंग स्टोरी बुक्स। तो हमारा आंसर क्या आएगा, रीडिंग स्टोरी बुक्स। ओके, वो सबसे ज़्यादा प्रीफर है प्लेइंग के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो क्वेश्चन सेकंड एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट सेम है, आपको प्रैक्टिस करना है। हम क्वेश्चन नंबर 4th कर रहे हैं, नंबर ऑफ पर्सन इन वेरियस एज ग्रुप इन अ टाउन इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ओके, एक टाउन है उसमें डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के कितने पीपल है वो हमें दिया है, कि 1 ईयर से 14 ईयर तक के 2 लाख पीपल है, 15 ईयर से 29 ईयर तक के 1,60,000 है, 30 ईयर से 44 तक की एज के लोग है वो 1,20,000 है, इस तरह से। उसके बाद क्या लिखा है, ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द एबो इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ब्रैकेट में दिया है टेक वन यूनिट लेंथ इक्वल्स टू 20,000। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे वर्टिकल लाइन पे देखो मैंने 20,000 के गैप लिए, स्टार्टिंग जीरो से करेंगे, 0, 20,000, 40,000, 60,000, 80,000, 1 लाख एंड सो ऑन। कहाँ तक लिखेंगे, अगेन देखो नंबर ऑफ पर्सन में सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 2 लाख, तो हम 2 लाख तक ही लिखेंगे। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो दूसरा है एज ग्रुप वो 1 से लेकर 14, 15 से लेकर 29 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले ये दो चीज़ क्लियर। ओके, हॉरिजॉन्टल पे हमने लिया एज ग्रुप इन ईयर, दूसरी साइड लिया हमने नंबर ऑफ पर्सन। आप चाहो तो कोई भी साइड कोई भी थिंग्स ले सकते हो, नंबर ऑफ पर्सन को आप हॉरिजॉन्टल पे भी ले सकते हो, लेकिन ये आपको इजी रहेगा इस तरीके से।
ओके, तो सबसे पहले 1 टू 14 ईयर का एज ग्रुप है उसकी पॉपुलेशन कितनी है 2 लाख, तो ये जो लाइन है हमें टू लाख तक ले जानी है। 15 से 29 है वो 1,60,000 है, तो हमें 1,60,000 तक ले जानी है। 30 टू 44 है वो 1,20,000, तो वहाँ तक, एंड सो ऑन, इस तरह से करना है हमें। तो ये थिंग्स क्लियर, ओके? तो बहुत ही ईजी है, इस तरह से लिखना है, ऊपर यूनिट लिख देना है, 1 यूनिट लेंथ इक्वल्स टू 20,000। अगेन बता रहा हूँ, यहाँ पे हमें बोला है कि 1 यूनिट लेंथ इक्वल्स टू 20,000 लेना है। अगर नहीं बोला है तो आप आपकी तरह 10,000 का भी कैप ले सकते हो, 30,000 का भी ले सकते हो, ओके? सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। अब क्वेश्चन पूछे उसके आंसर दे रहे हैं। ए विच टू एज ग्रुप हैव द सेम पॉपुलेशन, कौन से दो एज ग्रुप की पॉपुलेशन सेम है, तो कौन सी, 30 से लेकर 44 एंड 45 से 59 का एज ग्रुप है, उन दोनों में 1,20,000 पॉपुलेशन सेम है। ऑल पर्सन इन द एज ग्रुप ऑफ 60 एंड एबो कॉल्ड द सीनियर सिटीजन, हाउ मेनी सीनियर सिटीजन आर देयर इन द टाउन, ओके, 60 और 60 से ज्यादा एज वाले लोग है वो सीनियर सिटीजन है, तो सीनियर सिटीजन की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 60 से लेकर 74 है वो 80,000 एंड उसके बाद 40,000, तो दोनों का एडिशन 80,000 प्लस 40,000, सो इट विल बी 1,20,000 सीनियर सिटीजन आर देयर इन द टाउन, तो दोनों का टोटल 1,20,000 हो रहा है एंड उसका आंसर ये आएगा, ओके? तो डियर स्टूडेंट्स बहुत ही ईजी है, आपको सिर्फ उसकी प्रैक्टिस करनी है, ओके? थैंक यू।